प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एक्वा इन्फोटेक एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू बी ए फर्स्ट व्यूअर। Indian butter catfish, a small size species, is the most popular and high value of the fish of eastern and northeastern states of the country. It is distributed widely in Indian subcontinent and Southeast Asian countries and listed under endangered categories. It is the state fish of Tripura. Step by step breeding process of Indian butter catfish. ये वीडियो पूरा तक देखिए। इंडियन बटर कैटफिश एक साल में ही मैच्योरिटी आ जाता है, तो ब्रीडिंग के लिए एक साल के ऊपर फिश आपको लेना होगा। इसके ब्रीडिंग का अच्छा टाइम है मई और अगस्त। कैप्टिव ब्रीडिंग के लिए आपको बू स्टॉक को 8 दिन पॉन्ड में स्टॉक करना होगा। ये स्टॉकिंग डेंसिटी होगा 14,000 पर हेक्टर। ब्रीडिंग के टाइम मेल फीमेल को आइडेंटिफिकेशन करना बहुत इजी है। मेल है प्रोमिनेंट जेनिटल पैपिला and rough pectoral fins, whereas female have smooth pectoral fins and bulge belly. Indian butter catfish का induced के breeding के लिए ripe brooder जो male है उसका weight होगा above 80 gram and female का 120 gram and उसका ratio होना चाहिए 1:2, 1 female and 2 मेल। ब्रीडिंग के लिए हार्मोन इंजेक्शन करना होगा, फीमेल को दो बार और मेल को एक बार। ओवाडाइड, ओवा एफएच, बहुत सारा सिंथेटिक हार्मोन अभी मार्केट में है, तो डोज होगा 1.5 टू 2 एमएल पर केजी बॉडी वेट टू फीमेल एंड 0.5 टू 1 एमएल पर केजी टू मेल। फर्टिलाइज एग को हैचिंग टैंक में शिफ्टेड करना होगा और उसी टैंक में वाटर फ्लो बहुत धीरे से होगा और हैचिंग के लिए जो वाटर टेम्परेचर होगा 27-29 डिग्री सेंटीग्रेड और 18-23 घंटे के बाद जो फर्टिलाइज एग है वो पूरा हैच कर जाएगा। तो दो दिन के बाद लार्वा को फीडिंग करना होगा। पहले टाइम में स्मॉल साइज लाइव फीड लाइक आर्टिमिया देना होगा और साइज इंक्रीज होने के बाद हेटेरोजोनस मिक्सचर ऑफ लाइव जू प्लैंकटन एंड ट्यूबिफेक्स वार्म और कास्टेड एग देना होगा। तो 3-4 वीक्स बाद ये फ्राई साइज अटेंड करेगा। सो दिस ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी हैज बीन लार्जली एडॉप्टेड इन वेस्ट बंगाल, ओडिशा, आसाम, त्रिपुरा एंड उत्तर प्रदेश।